हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमेशा की तरह क्या करेंगे? क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, कौन सा आंसर सही है उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वन बाई वन क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। पेन और कॉपी जो है वो लेकर यहाँ पर आपको बैठ जाना है। पेन ले लो, अपनी कॉपी ले लो और लेकर बैठ जाओ। मेरे साथ साथ क्या है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, उसको क्या सही आंसर है वो भी जानेंगे हम। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा लोग आपसे, बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। किस में बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है? मैक्सिमम वर्ड पर ध्यान देना है, और बॉन्ड एनर्जी पूछी है, ना कि बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी बतानी है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किस में मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी है? तो यहाँ पर देखो, ये क्लोरीन है, Cl2, इसके अंदर मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी बता दो यहीं पर, जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है उनके केस में क्या ऑर्डर होता है। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है, एनर्जी उसका एक ऑर्डर होता है, यहाँ पर होता है Cl2, फिर होता है Br2 का, फिर यहाँ F2, एंड देन आता है I2 का ऑर्डर। तो ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है, आपको याद रखना है एक एक्सेप्शन की तरह। ठीक है, यहाँ पर साइज का चक्कर होता है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है ना। ठीक है, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर आपको फ्लोरीन हेलोजन के केस में याद रखना है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन का आता है। ठीक, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन। आपको बताना है बच्चा लोग कि जो कार्बन है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं है, डज नॉट हैव। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पहले का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा C, डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस तरह से लिख लिया करो, जिससे क्या होगा, गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड है ये, दूसरा ये, तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये है इस कार्बन के लिए, और ये। तो इस कार्बन के लिए कितने टोटल, 1 2 3 4, फोर सिग्मा बॉन्ड हो गए। फोर सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया ये। वहीं मैं इस कार्बन की बात करूं, ठीक है, तो इस कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये, और ये तो पाई बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सिग्मा, तो 1 2 3 3 सिग्मा हो जाएंगे। इस वाले कार्बन के लिए 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। वहीं अगर इस वाले कार्बन के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो 1 2 3 4, फोर सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसके पास तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये नहीं हो सकता, पहला वाला। दूसरा चेक करें, बी के लिए भी ऐसे ही चेक करना है आपको, सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर देखिए इस कार्बन के लिए ये हाइड्रोजन, 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 तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखिए इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब कितना हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन के लिए अगर काउंट करूँ, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, क्योंकि ये तो पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम थर्ड के लिए काउंट करेंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसमें 3 ये 1 ये, 4 4 सिग्मा मतलब sp3 हाइब्रिडाइज होगा। इसके लिए देखो यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है,
ये वाला कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, नेक्स्ट ये सिग्मा है और इसमें जो दो होते हैं वो पाई होते हैं, पाई पाई। तो यहाँ पर एक दो, इसके लिए कितने सिग्मा मिल रहे हैं, टू सिग्मा, टू सिग्मा मतलब sp हाइब्रिडाइज। तो हमें इस पूरे कार्बन में, इस मॉलिक्यूल में क्या मिला है कि एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और एक sp, यहाँ पर कोई भी sp2 नहीं है। और हमसे पूछा भी था डज नॉट हैव sp2 हाइब्रिडाइज, तो हमारा आंसर कहाँ कौन सा होगा, सी। लेकिन हमें चेक कौन सा करना है, फोर्थ भी करना है इसी तरह से, कैसे, वन वन वन, ये सी, ये डबल वन, यहाँ पर एन एच टू अमाइड लगा है, ठीक है। तो हम कार्बन के लिए काउंट करेंगे, एक दो तीन चार सिग्मा, चार सिग्मा कौन हो जाएगा, एस पी थ्री हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इसके लिए काउंट करेंगे वन टू थ्री, थ्री सिग्मा, थ्री सिग्मा मतलब एस पी टू हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एस पी टू हाइब्रिडाइज मिल रहा है, तो हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर तो हमारा कौन सा है, आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक। नेक्स्ट आगे चले, अगले क्वेश्चन कह रहा है विच बॉन्ड इज नॉट पोलर, कौन सा बॉन्ड है जो पोलर नहीं है, नॉट पोलर बताना है आपको, ठीक। यहाँ पर नॉट पोलर, तो पोलरिटी क्या होगा, पोलर वो होंगे जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा मैक्सिमम, पोलर। पोलर कौन से होंगे जिनमें ईएन का डिफरेंस जो होगा मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस जो होगा मैक्सिमम हो या फिर क्या हो, डेल्टा ईएन में डिफरेंस पाया जाए। तो पहले का देखते हैं, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के अंदर जो बॉन्ड बनना है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाएगी, 3.5, और फ्लोरीन की होती है 4। तो यहाँ पर इनके लिए अगर हम डेल्टा ई एन कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस का 3.5 कितना आएगा, 0.5, जो बहुत कम डिफरेंस है। फिर दूसरे के लिए भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, क्लोरीन, तो यहाँ पर इसकी ई एन कितनी हो जाएगी, 2.1, और क्लोरीन की ई एन की बात करें तो ये हो जाएगी 2.8, ठीक है, 2.8 हो जाएगी। तो डेल्टा ई एन अगर मैं इसके लिए भी कैलकुलेट करूँ तो ये कितनी हो जाएगी, 2.7। वहीं सी एन एफ के लिए 2.8, सॉरी माइनस 2.1, तो ये डिफरेंस आया है 0.7 का। वहीं कार्बन की 2.1 थी, फ्लोरीन की कितनी थी, 4 थी। डेल्टा ई एन इसके लिए मैं कैलकुलेट किया बच्चा लोग, तो कितना आया, 4 माइनस का 2.1 मतलब कितना आ जाएगा, 1.9। तो इसके लिए तो मैक्सिमम हाईली पोलर है। कार्बन नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन की 3 होती है ई एन और इसकी 2.1 होगी, तो यहाँ पर डेल्टा ई एन का डिफरेंस कितना आ जाएगा कार्बन नाइट्रोजन के केस में, 3 माइनस का 2.1, तो ये जो हो जाएगा 9.9। तो सबसे कम ई एन का डिफरेंस केस में मिल रहा है इसमें ओ एफ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, नॉन पोलर ओ एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द वाटर मॉलिक्यूल इज, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो है कितना हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, तो वो जाएगा 4, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर, आपको बताना है जो ई एन का ऑर्डर है डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका ऑर्डर क्या है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम के लिए ऐसे याद करते हैं बच्चों, एफ ओ एन फोन, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। लेकिन हैलोजन में अगर बात करें तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, हैलोजन फैमिली है। इसमें क्या होता है, ई एन जो होती है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। फ्लोरीन की मैक्सिमम 4 होती है, क्लोरीन की 2.8 होती है,
ब्रोमीन की 2.5 होती है और ये इससे भी कम होगी। तो हम ऑर्डर अगर अरेंज करें तो ये इससे क्या आ जाएगा, सबसे पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात की है तो यह ऑक्सीजन में जो होती है वो EN 3.5 होती है, फ्लोरीन की मैक्सिमम 4 होती है, नाइट्रोजन में जो होती है वो 3 होती है। तो फोन याद रखो, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, उससे ये आंसर जो है आपका सॉल्व होगा। कैसे, तो EN का अगर हम लिख रहे हैं EN नॉट डेल्टा EN, EN का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, देन आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर आपका क्लोरीन बनेगा, देन आपका ब्रोमीन, क्योंकि इसकी कितनी हो गई 4, इसकी EN 3.5। तो EN की वैल्यू आपको याद रखनी है, क्लोरीन की 2.8 हो गई, ब्रोमीन की जो हो जाएगी 2.5 हो जाएगी। तो EN का डिक्रीजिंग ऑर्डर किस में मिल रहा है, देखो पहला वाला क्लोरीन दे दिया तो ये गलत हो गया, दूसरा F, फिर O, फिर Cl, फिर Br, मतलब सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन सबसे पहले दे दिया और यहाँ फ्लोरीन बीच में देने का मतलब ही नहीं है, सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन की होती है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। ठीक, याद रखना है FON 4, 3.5 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल दिया है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर डीलोकलाइज्ड बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, रेजोनेंस इसमें पॉसिबल नहीं है, ये बताना है। तो देख लो सबके स्ट्रक्चर बना के, पहला अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 1,3-diene 1, 2, 3, 4, तो 1 पर डबल बॉन्ड है और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस मिल रहा है इसमें, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये आंसर हो गया कैंसिल। फिर बी की अगर हम बात करें तो पेंटा डाइईन मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट 1,4, 1, 2, 3, 4, 5, तो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है और फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन नहीं मिल रही है, नो रेजोनेंस कंडीशन, नो रेजोनेंस कंडीशन मतलब क्या है, डीलोकलाइज बॉन्डिंग नहीं है इसके अंदर। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन नंबर होगा बी वाला, लेकिन चेक हमें ये भी करना है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, हेक्सेन 1, 2, 6 कार्बन हो गए, अब बोला है 1, 2, 3, 4, 5, 6 फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड, थर्ड पर डबल बॉन्ड एंड फिफ्थ पर डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है, रेजोनेंस की कंडीशन जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नॉट पॉसिबल बोला था और बेंजीन में तो आपको पता ही है रेजोनेंट इस तरह से बेंजीन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर मिलेंगे, रैंडम इसमें मूव करते रहेंगे। ठीक है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में चेंज करते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे बताओ ये जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, 2 सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो इन दोनों के बीच की होगी, तो इसकी होती है 1.5। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कार्बोनाइल ग्रुप हैज फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक कार्बोनाइल ग्रुप है इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखी है, आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, कौन ज़्यादा स्टेबल है, आपको इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो निकालना है। ठीक, बताओ जल्दी से, तो देखो यहाँ पर याद रखो कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है, न्यूट्रल स्पीसीज जो होगी
वो क्या होगी, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल न्यूट्रल स्पीसीज होगी, वो मोर स्टेबल होगी। तो इसमें न्यूट्रल कौन सा, पहला वाला। तो हमारा आंसर पहला वाला तो सबसे पहले आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और डी तो कट ही जाएगा, हमें यहाँ से पता चल गया। अब हमें चेक करना है सेकंड और थर्ड। तो देखो, अब सेकंड नंबर पर होती है चार्ज स्पीसीज, चार्ज मोर स्टेबल होगी, देन चार्ज, ओके। उसी तरह से चार्ज्ड में अब हमें क्या देखना है कि जिसकी ई एन ज़्यादा होगी, मोर ई एन बियर करेगा नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बियर करेगा नेगेटिव चार्ज, और जो लेस होगा, लेस ई एन वाला क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो देखो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर दे रखा है सेकंड वाला, सेकंड स्ट्रक्चर सी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कम स्टेबल हो जाएगा, ये कम स्टेबल क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है उसका ई एन होता है 3.5, ज़्यादा ई एन वाले पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया आपने तो स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, वहीं इसकी ई एन 2.1 होती है। तो यहाँ पर हमें इसको पीछे रखना है, दैट मीन्स थर्ड जो होगा हमारा आगे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर ई एन वाले पर है, मोर ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर है, सही बात है, स्टेबलाइजर। तो थर्ड वाला ये आ जाएगा, देन हमारा सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऑर्डर जिसमें मैच कर रहा है वो आंसर होगा हमारा। तो ये जो हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो याद रखना है आपको न्यूट्रल चार्ज से ज़्यादा होगा, फिर चार्ज में आपको ये देखना है स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, कि जो मोर ई एन वाला होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेस ई एन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट बोला है द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज मेसिथाइलीन, इज मेसिथाइलीन के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बताना है आपको। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मेसिथाइलीन होता क्या है, ठीक। तो ये जो मेसिथाइलीन है वो क्या है बेसिकली, यहाँ पर समझो इस तरह से बेंजीन बना है, ठीक है, बेंजीन बना लिया। अब यहाँ पर CH3 एंड CH3 हमने ऐड कर दिया, ठीक। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा मेसिथाइली, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप बॉन्ड आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर बच्चा लोग, हम इसे खोल के लिख लेते हैं। इस तरह से था हमारा स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर तीनों तरफ लगा देंगे हम CH3 CH3। तो ये हो गया, ये यहाँ पर सी, एक दो तीन कार्बन लगे हुए थे, हाइड्रोजन एक दो तीन लगे हुए थे, और यहाँ पर आपका सी 1, 2 and 3 लगा हुआ था, ठीक। और देखो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रहा होगा, ठीक है। हाइड्रोजन 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 इस तरह से खोल के बना लिया करो, जिससे कि आपको आसानी से और जल्दी जल्दी दिख जाए, ठीक, स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर हम काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ठीक है, अपना सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। तो देखो ये सिग्मा 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 बॉन्ड सिग्मा 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 सिग्मा। अब ये वाला एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, दो सिग्मा बॉन्ड ये, तीन ये। अब यहाँ पर देखो ये एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला हो जाएगा, ये तो पाई बन जाएगा, ये पाई ये सिग्मा। इधर से ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक ये पाई बन जाएगा और एक ये पाई बन जाएगा, बाकी ये सिग्मा रहा, ये सिग्मा और सिग्मा।
तो टोटल सिग्मा माउंट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, फोर ये हैं और ऐसे ही 1 2 3 स्ट्रक्चर है, 12 तो ये हो गए, फिर 13 14 15 16 और 17 18 और ये 19 और 20 20 ये हो गया। देखो दोबारा काउंट करो, 4 8 12 तो ये हो गए, वहीं हमें 13 14 15 फिर 16 17 18 19 20 21 टोटल 21। तो सिग्मा माउंट का नंबर कितना आ गया बच्चों लोग, 21। और पाई 1 2 3 3 है पाई, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। अब हमसे क्या पूछा था, रेशियो पूछा था, तो रेशियो क्या आ जाएगा सिग्मा और पाई का, सिग्मा अपॉन पाई, तो ये 21 अपॉन 3, तो ये कितना हो जाएगा 7/1, तो ये रेशियो क्या आ गया, 7:1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, वो डी डी हो जाएगा 7, ठीक है, सिग्मा और पाई। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये था इसका कि आपको ये पता होना चाहिए मेसिथाइलिन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो सब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है, सजेस्ट अ मेथड टू प्यूरिफाई बेंजीन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी। अगर बेंजीन के अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी है तो किसे किससे सेपरेट आउट करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, सिंपल डिस्टिलेशन या सब्लिमेशन। तो इसे किससे सेपरेट आउट करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे हम बेंजीन और नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटी को अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ सब्सटेंस हैज बॉइलिंग पॉइंट 563 केल्विन बट इट स्टार्ट डिकम्पोजिंग नियर दिस टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के पास पहुंचते ही वो डिकम्पोज होने लगता है, विच टाइप ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस इज सूटेबल फॉर इट्स प्योरिफिकेशन। इसके प्योरिफिकेशन के लिए कौन सी सूटेबल रहेगी, डिस्टिलेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो इसका राइट आंसर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर करेंगे ऐसे सब्सटेंस के लिए जो नियर उस बॉइलिंग पॉइंट डिकम्पोज होने लगती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग इन्वॉल्व्स वैक्यूम डिस्टिलेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन या पासिंग ओवर एक्टिवेटेड चारकोल। तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग जिससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री से, पाउडर वगैरह ये बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए होता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट, इन स्टीम डिस्टिलेशन ऑफ टॉलिन, टॉलिन क्या होता है पहले तो ये बता दो, टॉलिन क्या होता है, तो देखो टॉलिन क्या है, बेंजीन के ऊपर लगा दो आप CH3, ये क्या हो जाएगा टॉलिन। द प्रेशर ऑफ टॉलिन वेपर इज, स्टीम डिस्टिलेशन करें अगर टॉलिन का तो प्रेशर ऑफ टॉलिन वेपर इज क्या होना चाहिए, इक्वल टू प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, लेस देन प्रेशर ऑफ बैरोमीटर, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन इज सिंपल डिस्टिलेशन, मोर देन द वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन इन सिंपल डिस्टिलेशन। तो ये क्या होना चाहिए, लेस देन बैरोमीटर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, लेस देन बैरोमीटर। नेक्स्ट मेजिंग टाइप क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। तो वाइटल फोर्स थ्योरी ये किसने दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी जो दी थी वर्जीलियस ने दी थी, जे जे वर्जीलियस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम क्या नहीं कर सकते, लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, ऐसा कहा था इन्होंने। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप देख रहे हैं यूरिया वगैरह, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हम लैब के अंदर बना नहीं सकते, ऐसा जे जे वर्जीलियस ने देखा।
लेकिन जो साइंटिस्ट बॉलर थे उन्होंने क्या करा, सबसे पहले क्या बना दिया, यूरिया। लेबोरेटरी में उन्होंने क्या, यूरिया, NH2CO, NH2 बना दिया। और इनकी जो थ्योरी थी वो डिसप्रूव हो गई यूरिया के बनते ही। ठीक है, अब SP3 हाइब्रिडाइजेशन किस में देखने को मिल रहा है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखो मैच किससे करेगा, CH4 मीथेन, मीथेन से मैच कर जाएगा। देखो यहाँ पर देख लो, CH4 CH4 CH4, तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब कितना हो गया, SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये मीथेन से। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर होगी, यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड का कौन सा हो जाएगा, 1 सिग्मा और 2 पाई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड हम किसी में बना रहे हैं जैसे नाइट्रोजन के बीच में बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, 1 सिग्मा होगा, और ये जो दोनों हैं वो पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई पाई बॉन्ड्स होंगे, बॉन्ड्स। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कहीं एसिटिक एसिड कोलवेन है, यूरिया बोहलर ने बनाया, बेंजीन के अंदर आपको रेजोनेंस मिल जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग SP2 हाइब्रिडाइज, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल रहता है। ठीक है, नेफ्थलीन, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, देखो ये भी जो है वो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो गया, ग्लिसरॉल ये हो गया। ठीक है, तो मैचिंग हो गई। ठीक, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आपको बताना है कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। तो पोलैरिटी के लिए मैंने अभी बताया था, पोलैरिटी के लिए मैंने क्या बताया बच्चा लोग, पोलैरिटी के लिए ईएन का डिफरेंस होना चाहिए, डेल्टा ईएन, ईएन का डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वहीं अगर कोई भी मॉलिक्यूल पोलर है तो उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, डायपोल। डायपोल मोमेंट जो होना चाहिए वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब म्यू जो हो वो नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। तो देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, तो ये क्या है, यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट देखे तो म्यू इक्वल्स टू इसका जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर। वही CH3 की बात करें, देखो बना के देख लिया करो, यहाँ पर C, यहाँ पर क्लोरीन, 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 अदर हाइड्रोजन। तो देखो इसका देखें, इस तरह से वेक्टर बनेगा, इसका डायपोल मोमेंट का वेक्टर इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगी इधर की तरफ तो सारे वेक्टर एक तरफ आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर म्यू जो है वो जीरो नहीं है, जीरो नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, ये तो पोलर है, ये पोलर हो गया। पहला वाला क्या था, नॉन पोलर था, क्योंकि यहाँ पर
जो डिफरेंस डाइपोल मोमेंट था वो क्या था, जीरो आ रहा था। नेक्स्ट CCl4 की अगर हम बात करें तो देखो CCl में क्लोरीन 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 और इस तरह से क्लोरीन लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पर इसका वेक्टर इधर जाएगा, इसका वेक्टर इस साइड, इसका वेक्टर इधर, और ये जो है इसका वेक्टर इधर। अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट आएगा ना वो इधर होगा कुछ, और ये सारे जो होंगे एक दूसरे तीसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, जीरो। और जीरो मिल गया मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर स्पीसीज, नॉन पोलर स्पीसीज। वहीं अगर मैं बात करूँ CH3 ओ CH3, तो यहाँ पर देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये इनका डिफरेंस भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये तो पोलर रहेगा, पोलर। वही C2H5 यहाँ पर भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डिफरेंस आएगा और ये इनका डिफरेंस रहेगा, अच्छा खासा डिफरेंस है, तो ये भी पोलर ही है। C2H6, तो देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की EN वो क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर है। वही मैं इस ऑप्शन की बात करूँ नेक्स्ट ऑप्शन की, तो देखो यहाँ देखो कार्बन हो गया, यहाँ क्लोरीन हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो ये डाइपोल वेक्टर लेस ईएन से मोर ईएन की तरफ, इधर ये जो होगा इधर आएगा और ये जो होगा वेक्टर इधर जाएगा। तो मैक्सिमम वेक्टर इधर एक डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर भी म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, दैट मीन्स ये भी पोलर स्पीसीज होगी। अमोनिया में देख ले, यहाँ पर एक लोन पेयर है, इस तरह से एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर वेक्टर की बात करें इधर जाएगा, मोरियन की तरफ जाएगा, इसका वेक्टर इधर, इसका नेट रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा। तो ये भी क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब क्या होगा, पोलर होगा ये भी, ठीक है, ये भी पोलर होगा। वाटर की तो बात ही क्या करें, ठीक है। वाटर में देखो, वाटर में देखो तुम, ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर होंगे दो लोन पेयर, ठीक है, दो लोन पेयर। अब देखो यहाँ पर इसका वेक्टर इधर जाएगा, इसका वेक्टर भी इधर, और लोन पेयर से तो अभी जाता ही है, तो क्या होगा, यहाँ पर भी म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स ये भी क्या है, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। CH3Cl की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो ये हो गया क्लोरीन आपका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, डाइपोल मोमेंट यहाँ इस तरफ से इधर, इस तरफ से वेक्टर आ रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर भी म्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, और नॉट इक्वल्स टू जीरो मतलब क्या है, ये भी एक पोलर स्पीसीज है, पोलर स्पीसीज। तो आपको ये दो चीज़ देख के क्या है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये तो हो गया आपका पहला नॉन पोलर, दूसरा आपका पोलर, CCl4 नॉन पोलर, ये आपका पोलर, ये भी पोलर था, ये नॉन पोलर था, नॉन पोलर, ये पोलैरिटी दिखा रहा था पोलर, बाकी तो अब पोलर ही है सब। अमोनिया ये भी पोलर सॉल्वेंट है, वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है, और ये भी क्या है, पोलर। तो पता चल गया, ये इनका डिफरेंस देखो, डाइपोल मोमेंट देखो, इन सबसे क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, पोलर है या नॉन पोलर है, पोलरिटी को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इंडिकेट द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। हर एक कार्बन एटम का आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, यहाँ देखो हाइब्रिडाइजेशन
तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ लोन पेयर और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर आपका ये जो सम है वो क्या आ रहा है, टू मतलब sp हाइब्रिडाइज, 3 आ रहा है इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, अगर 4 आ रहा है sp3 हाइब्रिडाइज, 5 आ रहा है तो sp3 हाइब्रिडाइज, 6 के लिए sp3 2, 7 के लिए sp3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली नंबर ऑफ लोन पेयर, एक मिनट, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर होता है, ठीक है। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अब देखो एक एक करके समय चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये तीन क्या है, इसके पास तीन जो है ये लगे हुए हैं सिग्मा बॉन्ड, और ये एक ये है 4, मतलब इसके पास टोटल कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, और कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, और 4 होने पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट कलर बदल, यहाँ पर सेकंड कार्बन की बात करें तो एक ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर बोला था ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, यहाँ पर ये तो दिख रहा है आपको sp2 हाइब्रिडाइज होगा। यहाँ पर इस कार्बन की बात करें, एक ये हाइड्रोजन के साथ बना हुआ सिग्मा बॉन्ड, एक दो तीन, इसके पास भी 3 है, तो ये भी जो होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा। नेक्स्ट इस फोर्थ कार्बन की बात करें तो 3 तो ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये 3 और एक ये सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। तो सबका हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का। उसी तरह से सेकंड में निकाल रहे हैं हम, इस कार्बन में एक ये सिग्मा बॉन्ड है, एक ये सिग्मा बॉन्ड है, बाकी ये 2 पाई हैं, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर इस फर्स्ट कार्बन पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2, और 2 का मतलब क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पर देखें तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, दो सिग्मा मतलब कौन सा, sp हाइब्रिडाइज। इस कार्बन पर देखें, एक सिग्मा ये, 2 पाई हैं यहाँ पर, ये भी sp हाइब्रिडाइज। इस कार्बन पर भी, फोर्थ कार्बन पर भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया। नेक्स्ट इस पर भी 3 सिग्मा, 1 4 सिग्मा मतलब डायरेक्ट करो आप sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर देखो एक सिग्मा ये, 2 पाई, ठीक है, तो 1 2 2 सेकंड पोजीशन पर 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका। इस पर भी sp और इस पर 3 4 4 4 हो गए मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट इस पर 4 हो जाएंगे सिग्मा बॉन्ड और 0 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस पर 1 2 3 4 4 है, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर 3 और 1 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। फर्स्ट कार्बन पर 1 2 3 4 हो जाएंगे, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। और इस पर देखो एक सिग्मा 2 पाई है, 2 पाई है, तो हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, तो कितने हैं, 2 मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन पर देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 पाई और सिग्मा, तो 1 2 3 टोटल 3 सिग्मा मतलब क्या हो गया, 0 लोन पेयर प्लस 0 लोन पेयर, ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। नेक्स्ट ये हो जाएगा sp3, ये हो जाएगा सिग्मा, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, एक सिग्मा, एक तो तीन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी
इसी के जैसा sp2 हाइब्रिडाइज, ये जो हो जाएगा एक सिग्मा दो सिग्मा है टोटल जीरो लोन पेयर, मतलब sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन ऐसे काउंट करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं प्लस लोन पेयर। यहाँ पर देखो तीन चार चार हो गए, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। इस पर देखो एक दो तीन, एक दो तीन, टोटल तीन हो गए, तीन के लिए sp2 हाइब्रिडाइज। इस पर कितने हो गए तीन और एक चार, चार सिग्मा बॉन्ड प्लस जीरो लोन पेयर, ये क्या बनेगा sp3 हाइब्रिडाइज। इस कार्बन पर देखो एक दो दो तीन, तीन है इसके पास टोटल, तीन मतलब sp2। ये भी देखो एक दो, दो ही सिग्मा बॉन्ड है इसके पास क्योंकि इस तरह से लिखा है ये सी, तो एक सिग्मा दो सिग्मा एक पाई एक पाई, तो इस पर टोटल कितने हैं दो सिग्मा, दो सिग्मा प्लस जीरो लोन पेयर, इसका मतलब क्या हो गया sp हाइब्रिडाइज। तो ये कैसा हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज। वही मुझे कार्बोकेटाइन के बारे में कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल वगैरह दिया है, तो यहाँ पर देखो इसको एक्सपेंड करके लिखें। इधर देखो यहाँ पर देखो ये सी इस तरह से है, यहाँ पर इस पर कार्बोकेटाइन लगा है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो एक दो तीन चार, फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है एक दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड मतलब फोर सिग्मा, मतलब हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। और तीसरे पर देखो एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर तो है ही नहीं तीन सिग्मा, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी तरह से थर्ड वाले पे देखूँ तो ये पहला वाला sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा एक दो तो तीन तीन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा यहाँ पर, उसी तरह से यहाँ पर sp3 एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं प्लस लोन पेयर कितने हैं, ऐड करो आराम से आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा, यहाँ से इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक, आगे चले, बोल क्या रहा है क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो जल्दी से इसका। ठीक, इंडिकेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है ये बताने हैं आपको। ठीक, तो देखो यहाँ पर इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाला ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब मुझे सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करनी है इसमें। ठीक है, मुझे क्या करना है, चलो सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर देखो एक सिग्मा दो सिग्मा तीसरा ये सिग्मा चार सिग्मा पांच सिग्मा और ये दोनों जो हैं नीचे वाले पाई पाई होंगे और एक सिग्मा, तो टोटल इसमें सिग्मा कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल कितने हो गए सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर हो गए टोटल फर्स्ट वाले के अंदर, यहाँ लिखते चलो जो फर्स्ट है इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड का नंबर कितना है सिक्स और पाई एक दो, दो पाई दिख रहे हैं। ठीक है, और पाई बॉन्ड कितने हैं टू, सेकेंड ऑप्शन ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे, क्या है सेकेंड वाला देखो इधर कार्बन कार्बन सी हाइड्रोजन लगा है डबल बॉन्ड सी एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो एक दो तीन चार सिग्मा बॉन्ड ये हो गए, पाँच छ सात आठ, आठ सिग्मा बॉन्ड हो गए और एक पाई बॉन्ड है ये वाला, चार पाँच छ सात आठ, टोटल कितने हो गए सिग्मा कितने हो गए इसके अंदर एट एंड पाई कितना हो गया वन, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। नेक्स्ट ये जो थर्ड है इसके अंदर देखो, यहाँ पर देखो थर्ड वाला सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एक हाइड्रोजन
एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन लगा है, एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें काउंट क्या करने हैं, सिग्मा, तो ये सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा, सिग्मा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल सिग्मा 6 है और 2 पाई है। तो थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर सिग्मा कितने हैं, 6, 3 और 3, 6, और पाई कितना हो गया, 2, ठीक। नेक्स्ट उसी तरह से अगला ऑप्शन देखें हम, तो देखो यहाँ पर फोर्थ है, ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर C1, 1, तो यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर सिग्मा ही है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए इसके अंदर सिग्मा। और पाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाई बराबर 0 है। फिफ्थ ऑप्शन में देखें क्या बोल रहा है, जैसे आप ऐसे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करोगे ना तो आ जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर सी, 1, 2, 3, तो यहाँ पर देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 9 हो गए। पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो 1 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई। नेक्स्ट में देखो यहाँ पर 2 सिग्मा, ये इधर से यही हूँ, देखो मॉलिक्यूल को बार बार एक्सपेंड करोगे, देखो यहाँ पर नेक्स्ट 6 वाले में एक हाइड्रोजन है, एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 1 सिग्मा 2 पाई, और यहाँ पर ये 1 सिग्मा हो गया, 1 सिग्मा इस हाइड्रोजन की वजह से हो जाएगा, ये सिग्मा और 1 पाई, यहाँ पर इस हाइड्रोजन की वजह से 1 सिग्मा, और इन कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो 1 सिग्मा हो जाएगा, और 3 ये हो जाएंगे। चलो लिख ही लेते हैं एक बार, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखो 6 वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हम यहाँ काउंट कर लेंगे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल सिग्मा जो आ गए वो कितने आ गए, 10। और पाई काउंट करो, 1, 2, 3, तो 3 पाई। नेक्स्ट का उसी तरह से बना लेंगे, डबल बॉन्ड सी हाइड्रोजन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गया, पाई 1, 2 ये और 1 ये 3। नेक्स्ट यहाँ पर आपका CH3, यहाँ देखो 1, 2, 3 और ये O और ये H, तो यहाँ पर सारे सिग्मा बॉन्ड है, 1, 2, 3, 4, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गया 5, और पाई बॉन्ड हो गया कितना, 0। उसी तरह से आपको इसमें कैलकुलेट करना है, यहाँ देखो 3 ये हो गए, 4, 5, 5 सिग्मा हो गए। नेक्स्ट वाला जो है 9, इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1, 4, 1, 5, 5, और पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें 1, 2, 2, 2 हो जाएंगे। इसमें बात करें तो ये देखो इस तरह से है कुछ स्ट्रक्चर इसका, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, क्लोरीन, और इसी पर लगा क्लोरीन, तो 1, 2, 3, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया 4, और पाई बॉन्ड क्या हो गया, 0। यहाँ पर है हेक्सेन, तो इसका स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, और हर एक पर हमें क्या लगा देना, हाइड्रोजन,
H2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हो गया। तो यहाँ पर सारे सिग्मा बॉन्ड है, दो ये हो जाएंगे और दो ये, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, कितने हो जाएंगे टोटल, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 हो जाएंगे इसके अंदर। सिग्मा बॉन्ड को इतने हो जाएंगे 17, और 17 17, और पाई बॉन्ड क्या है, 0 है इसके अंदर, तो एल्कीन एल्कीन है, हेक्सीन है। एक मिनट गलत कर दिया बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आएगा, एक जगह डबल बॉन्ड भी आएगा, ठीक है, यहाँ एक कम तो एक पाई बन जाएगा, यहाँ पर एक पाई बन जाएगा पाई। ये जो फॉर्मूला है CnH2n है, मतलब ये एल्कीन ईन का फॉर्मूला है, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड आएगा, ठीक। तो इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो ये तो था आज के क्वेश्चन का, ठीक, इसी तरह से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तब तक आपको क्या करना है, अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स जो बताए गए हैं उन सबको क्या करना है, रिवाइज करना है, रिवीजन करना है उसका। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको उसका आंसर देना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पहले से कुछ पढ़ के आएंगे तो अच्छा लगेगा, आप उसका आंसर दे पाएंगे, बाकी आप सीखेंगे तो बहुत कुछ, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर हम जो भी उससे सात कॉन्सेप्ट्स होता है वो भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं, तो आप पढ़कर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, थैंक यू प्यारे बच्चों, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, ठीक, बाय बाय।